chance that you, boy, that you pull me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. GBRDF नई दिल्ली की ओर से संचालित अभियान 40 IAS द्वारा आयोजित इस सेमिनार में दिल्ली, लखनऊ एवं पटना के ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इससे पहले सेमिनार का उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी प्रसाद सिंह, वरिष्ठ IPS अधिकारी व बिहार के ADG पारसनाथ, वरिष्ठ IAS अधिकारी व ईखायुक्त गिरिव दयाल सिंह, दिल्ली से आए विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन एवं लखनऊ से आए डॉक्टर SP सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सेमिनार में प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने सिविल सेवा की तैयारी में समय एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। IPS अधिकारी व बिहार के ADG पारसनाथ प्रतिभागियों को सिविल सेवा में प्रशासन की चुनौतियां विषय पर प्रकाश डाला, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व बिहार में गन्ना आयुक्त गिरिव दयाल सिंह सिविल सेवा के बदलते स्वरूप पर प्रकाश पर चर्चा किया। संस्थान के निदेशक विलास कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का बिहार के बच्चों पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे इस सेमिनार से काफी लाभान्वित होंगे। विदित हो कि गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन मानवाधिकार के लिए सतत संघर्षरत रहा है तथा इसके द्वारा पटना, लखनऊ तथा दिल्ली में अभियान 40 IAS नाम से निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है। आज यहां से निकले हुए सैकड़ों छात्र छात्राएं देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ग्राम विकास फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सह संस्थापक एवं निर्देशक अभियान 40 IAS का, जो 2014 में मैंने इसको शुरू किया था और यह संस्थान जो है मैं निःशुल्क शुरू किया था, आज भी मैं निःशुल्क ही बच्चों को दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये था कि बिहार का बच्चे जो दिल्ली में पढ़ने के लिए जाते थे, मैं उसको रोकने के लिए बिहार में और मिडिल और गरीब के बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले, उसके लिए मैं यह अभियान 40 IAS की स्थापना मैंने किया था। और इसको जो है हमने धीरे धीरे करके बिहार में दो ब्रांच दिए हैं, पटना कंकड़बाग में D/62 PC कॉलोनी और बोरिंग रोड एन कॉलेज के अपोजिट में अभियान 40 IAS का दो ब्रांच यहाँ मैंने हैं, लखनऊ में मैंने एक दिया है और एक दिल्ली में मैंने दिया है। तो दिल्ली के बच्चे जो है वहाँ भी गरीब बच्चे जाएं और उनको रहने का हम धीरे धीरे व्यवस्था छात्रों को भी कर रहे हैं कि दिल्ली में भी उनको रहने का कम पैसा पे उपलब्ध हो, सही मार्गदर्शन मिले। और मेरा संस्थान अभियान 2014 से बहुत से बच्चे हमारे यहाँ मौक साक्षात्कार के लिए आए, दिल्ली से, लखनऊ से, बहुत लोगों से, और हमारे यहाँ सफलता मिलते जा रही है। और हमारे यहाँ बहुत से गुरुजन जुटे हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर डॉक्टर RV प्रसाद सर के मार्गदर्शन में हमारे बड़े भाई श्री अजय सिंह, जो बम्बई में अभी पोस्टिंग है, उनके मार्गदर्शन में ये स्थापित की गई थी। और हमारे श्री गिरवदयाल सर IAS, श्री सुनील कुमार ADG IPS, भारतनाथ सर, मैंने या प्रोफेसर BN कॉलेज का प्रिंसिपल राजकिशोर सर, या पूर्व VC नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, इन लोगों को सहयोग से ये संस्थान को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। और इसमें बहुत लोग जो है अभी धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते हजारों से हजार में हम लोगों ने बच्चों को, हमारे यहाँ बहुत से फैकल्टी भी हैं जिसको हमने क्लास वाइज पैसे भी दे के हमने फैकल्टी रेगुलर रखते हैं, और वहाँ IAS IPS उन लोग सप्ताह में आके मार्गदर्शन बच्चे को देते हैं। और हम लोग सर अभी संस्थान में हमारे यहाँ 2014 से 5 से 6 ही बच्चे क्वालिफाइड UPSC किए हैं, और बच्चे BPSC में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 56वीं से 59वीं में किए हैं, 60वीं से 62वीं में किए हैं, 63वीं में किए हैं, 64वीं में किए हैं, 65वीं में भी हमारे यहाँ किए हैं। और शिक्षक अभी जो इंटरव्यू
हुआ है, उसका रिजल्ट का परिणाम आने वाला है, उसमें भी हमको लगता है कि 60-70 बच्चे हमारे से क्वालिफाई करेंगे। दिल्ली का भी तब मानते हैं अभियान चालीस, हम तो चाह रहे हैं कि सर प्रयास है कि मेरा दिल्ली का जो है ना विकल्प अभियान 40 हम लोग दे सकें, क्वालिटी बेस्ड दे सकें, जो बच्चे को दिल्ली ना जाना पड़े। मैं ये मैंने प्रयास हम ऐसे बच्चे को कहेंगे कि मेरे यहाँ आके मार्गदर्शन लें, निःशुल्क लें, और किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो हमको बताएं, और किन्हीं से जैसे IAS IPS किन्हीं से ऊँचाते हैं जिनसे कि मार्गदर्शन हमको मिल सके, हम उनके पास ले जाके हम लोग मिलाते हैं और मार्गदर्शन सही दिलाते हैं। ये आप लोगों को मीडिया बंधुओं को आप लोगों को सभी को बहुत बधाई मेरे यहाँ आने के लिए अभियान 40 के ओर से और हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। समय आपने निकाला इसके लिए बहुत बहुत बधाई।